आपका स्वागत है। मेरा नाम है कोमल और आप देख रहे हैं एसएन न्यूज़। आज हमारे साथ है गौरव जी, जो कि सोशल मीडिया वर्क पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। सर, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आज भी इतने कामयाबी के बाद भी ओबीसी समाज इतना पिछड़ा हुआ क्यों है? आजकल अगर मैं ओबीसी समाज की बात करूँ या कैसे भी समाज को एक रिलेट करूँ एक सोशल थिंकिंग से, तो मैंने देखा है कि लोगों की सोच को बहुत दबाया जा रहा है, और उनको सिर्फ दबाया नहीं जा रहा बल्कि उनको चीज़ों के बारे में कुछ पता ही नहीं है कि हमें किस तरह से एक्टिव रहना है सोशल एक्टिविटीज़ में और किस तरह से हम एक रिस्पॉन्सिबल पार्ट बन सकते हैं इस पूरी सोसाइटी के लिए। बल्कि वो खुद को कम्पीट करने में लगे हैं उन उच्च दर्जे के, मतलब जो ये उच्च दर्जा जैसे ये जनरल कास्ट हो गए, तो खासकर ओबीसी वाले क्या करते हैं खुद को, या ओबीसी एससी एसटी, वो खुद को ना और ऊपर वाली कास्ट को देख के खुद को प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि अरे हमें भी इनके जैसा बनना है, हमें भी ऐसा करना है, हमें भी वैसा करना है। वो लोग कभी किसी मतलब धर्म से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी करनी है, जैसे कावड़ लेके जाएंगे या अलग तरह का कुछ भी करने की कोशिश करेंगे ताकि वो खुद को उच्च दर्जे पे पा सके। बल्कि मुद्दा ये नहीं है, मैं जो देखा है जो समाज में, मैं भी खुद एक ओबीसी कास्ट से बिलोंग करता हूँ, तो मैंने वो हिस्सा भी देखा है जहाँ लोगों को सताया जाता है और कास्ट के बेसिस पर जहाँ लोगों को वाकई में डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, मैंने वो फेस भी देखा है अपनी लाइफ में। क्योंकि मेरी लाइफ के ऑब्वियसली मैं 27 साल काट चुका हूं, तो आज की डेट में मैं जिस नज़रिए से समाज को देखता हूं तो मेरे को दोनों तरफ का दिखता है। एक मैं भी हूं जो खुद एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता हूं, एक ब्रॉड माइंडेड होने के साथ साथ मुझे ये भी पता है कि क्या सही क्या गलत। तो जब तक इंसान को ये पता नहीं चलेगा ना कि समाज में क्या सही है और क्या गलत है, क्या मुझे करना चाहिए और क्या मुझे नहीं करना चाहिए, तब तक वो खुद को नहीं बदल सकता, तब तक वो खुद की कैटेगरी को सेटिस्फाइड कभी नहीं कर सकता, चाहे वो ओबीसी कैटेगरी का हो, चाहे वो खुद जनरल कैटेगरी उच्च दर्जे का भी हो। के अगर वो एक छोटा काम कर जाए तो उसके उच्च दर्जे को, जो वो खुद को उच्च बोलता है, उसका भी कोई मतलब नहीं बैठता, मैं तो ये मानता हूँ। बहुत से लोग मैंने देखे हैं आज की डेट में जिन्होंने अच्छी एजुकेशन ली और जो एससी एसटी से बिलोंग करते थे, जिन्होंने वाकई में अपना माइंड थोड़ा सा ब्रॉड रखा, लोगों को साथ साथ अवेयर भी किया, उन्होंने लोगों को बताया कि नहीं ये गलत है ये सही है, और लोग एक जो अच्छे स्पीकर होते हैं जो अच्छा मैसेज देना चाहते हैं अपने समाज में, उन सोसाइटी में उनका इम्पैक्ट पड़ता भी है। लेकिन डिपेंड करता है वो अच्छा मैसेज देने के लिए आपको खुद से काफ़ी सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा। लेकिन लोग तो इतने बिजी हैं धर्म के रास्ते में कि उन्हें कहाँ से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कहाँ से समझ आएंगी। आप आजकल की हालत ही देख लो कंट्री की क्या है। अब आप ये जेएनयू का मुद्दा देख लो, या आप कोई भी ये मिड डे मील वाला मुद्दा देख लो, या कोई भी मुद्दा देख लो, आप इस बेसिस पे अगर मैं बात करूँ आज की डेट में, तो मतलब मुझे नहीं लगता कि पता नहीं ये सोसाइटी किस डायरेक्शन में जा रही है या लोग किस डायरेक्शन में जा रहे हैं जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझने के लिए तैयार ही नहीं है, जो बाकी ऐसे मुद्दे पर लगे हैं, मतलब वो मुद्दा ही क्या जिसकी कोई बुनियाद ही ना हो, वो बेबुनियाद मुद्दों पे अपना बात करने में लगे हुए हैं। कोई जात पात को लेके लड़ रहा है, कोई अपना रिलीजन को लेके लड़ रहे हैं, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, मतलब समझ से बाहर है आजकल। तो इन चीज़ों को हमें रोकना पड़ेगा, और इन चीज़ों को रोकने का सिर्फ एक ही माध्यम है कि हमें वाकई में एक एजुकेशनल सोसाइटी क्रिएट करनी पड़ेगी और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर कर सके, ताकि वो इस ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी के जालसाजी ये जो चल रही है, इन चीज़ों से बाहर निकल के खुद का एक माइंड डेवलप कर सके, खुद की एक अच्छी सोच डेवलप कर सके और लोगों को जितना अवेयर हो सके उतना ज़्यादा अवेयर कर सके, लेकिन एक सही डायरेक्शन में। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुँच सकें आप पे सबसे पहले।